YouTube चैनल आओ देखे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का औषधीय पौधा है करंज। आज हम इस वीडियो में करंज वृक्ष की पहचान और करंज वृक्ष से होने वाले आयुर्वेदिक लाभों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हम इसी तरह की औषधियों वाली फायदेमंद वीडियो लाते ही रहते हैं, जिन्हें देखकर आप इनसे होने वाले लाभों के बारे में परिचित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आओ देखे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यह करंज का नन्हा सा पौधा है। यह प्रायः हमारे देश प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। यह नन्हा सा पौधा कुछ वर्षों पश्चात एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यह बहुवर्षीय वृक्ष होता है। यह करंज के फूल हैं, जो कि हल्के बैंगनी और सफेद रंग के होते हैं। अप्रैल के महीने में करंज की डाली एवं शाखाओं में ये पुष्प गुच्छों में लग जाते हैं। रिमझिम फूलों से लदी करंज वृक्ष बेहद ही सुंदर दिखाई देती है। वृक्ष के नीचे चारों तरफ धरती पर जब इनके पुष्प गिरते हैं तो ये मोती के समान सर्वत्र फैलकर धरती की शोभा बढ़ाते हैं। फूलों पर मंडराती भौरे के गुंजन और इन पुष्पों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू गर्मी के मौसम में अति आनंद का एहसास दिलाने वाली होती है। यह वृक्ष शीतलता प्रदान करने वाली होती है। इसके नीचे बैठने से मन शांत रहता है। आयुर्वेद में अनेकों बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अनेक उपयोग हैं। यह दांत दर्द को कम करती है। दांत पीड़ा को दूर करने हेतु मंजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह त्वचा संबंधी रोगों को नष्ट करने में बहुत ही गुणकारी होती है। त्वचा में रूखापन हो तो इसके पत्तियों को पीस कर लेप करने से त्वचा में चमक आती है और रूखापन दूर होता है। यह बालों से जुड़ी समस्या को ठीक करने में भी बहुत ही लाभकारी होती है। यदि बालों में रूसी हो गए हो या फिर ज़्यादा बाल झड़ रहे हो तो इसके फूलों को पानी के साथ पीसकर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर रात को बालों में लगाएं और सुबह पानी से अच्छे से धो लें। ऐसा करने से बालों से जुड़ी समस्याएँ दूर होती है। इनकी फलियों के चिरुंजियों से तेल निकालकर इस तेल का उपयोग चर्म रोग जैसे दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, घाव भरने इत्यादि में लेपन करके उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, यह आयुर्वेद में इसका दातुन भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप इसकी छोटी छोटी टहनियों को तोड़कर प्रतिदिन दातुन करते हैं तो यह दांत को हमेशा के लिए मजबूत बनाते हैं। दांतों पर कीड़ा नहीं लगते हैं। मुंह और दांत के रोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यह करंज वृक्ष की छाल है। इसकी छालों को धूप में सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर इस चूर्ण को सरसों के तेल के साथ अच्छी तरह से भून लें और भूनने के बाद इसे त्वचा पर लगाने से त्वचा के दाग धब्बे दूर होते हैं। यदि हाथ पैरों में दर्द हो तो इसके बीजों के तेल का मालिश करने से दर्द कम होता है। यदि खुजली, दांत, खाज हो तो इसके बीज के तेल में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर खुजली वाले जगह पर लगाने से खुजली की वजह से जो जलन उत्पन्न हो जाती है वह कम होती है। साथ ही दांत खुजली की समस्या दूर होती है। तो ये थी दोस्तों करंज वृक्ष की पहचान और करंज वृक्ष से होने वाले औषधीय लाभों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप इसी तरह की और अन्य औषधीय वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।